बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस पार्ट से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की जानिब चलते हैं। तो इसमें हमें दो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और सेकंड मेथड है द क्रैमर्स रूल। तो पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। तो इन्वर्स मेथड में, इन्वर्जन मेथड में हम सबसे पहले तो इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इन द मैट्रिक्स फॉर्म। ये हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में है, दोनों हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वेशंस में हैं, तो इसको हम मैट्रिक्स में लिखते हैं। तो पहला जो मैट्रिक्स होता है वो कॉफिशेंट्स का होता है, वेरिएबल के कॉफिशेंट्स का। यहाँ पे हमारे पास एक्स का कॉफिशेंट 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख दिया। और वाई का जो कॉफिशेंट है वो 1 है, तो इसको हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। और सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कॉफिशेंट 6 है, तो यहाँ पर 6 आ गया। और वाई का कॉफिशेंट 5 है, तो यहाँ पर 5 आ गया। तो इस तरह से हमने पहला जो मैट्रिक्स है ये हमने इन वेरिएबल्स के कॉफिशेंट को लिखना है। उसके बाद सेकेंड मैट्रिक्स जो है वो हमने x और y का लिखना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, और इक्वल के बाद हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनका मैट्रिक्स आएगा, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 3 और 1। अब हमें ये जो मैट्रिक्स हैं इनको लेट कर लेना है, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको हम a के इक्वल लेट कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a इज़ इक्वल टू, तो a मैट्रिक्स हमारे पास आ गया 2 1 6 5। और ये जो हमारे पास x और y वाला मैट्रिक्स है इसको हम x मैट्रिक्स के इक्वल लेट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x एंड y। और लास्ट में ये जो थर्ड मैट्रिक्स है इसको हम b लेट करेंगे, ठीक है। तो b इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 और 1। अब जो फार्मूला है हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो रहा, इसको हमने इस मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर a लिखेंगे, और ये जो एक्स वाई मैट्रिक्स है इसको हमने एक्स सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। उसके बाद इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे इक्वल आ गया। और ये इसको हमने कांस्टेंट मैट्रिक्स को बी के इक्वल सेलेक्ट किया, तो इसकी प्लेस पे बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया, ये एक्स मैट्रिक्स, ये इक्वल का साइन और ये बी मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमें एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू उसको फाइंड करना है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इधर ए है जो कि इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये a इधर आके डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास a है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे इसका जो एक्सपोनेंट है वो +1 है, और जब ये ऊपर आएगा तो इसका एक्सपोनेंट -1 हो जाएगा, और साथ में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा b, ठीक है। तो ये वो फार्मूला है जिससे हम इन्वर्जन मेथड से अपनी एक्स और वाई वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इस फार्मूला में हमारे पास एक्स मैट्रिक्स भी मौजूद है और बी मैट्रिक्स भी मौजूद है, लेकिन ये ए इनवर्स मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करना है, फिर ए इनवर्स का जो आंसर आएगा उसको इस बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब सबसे पहले ए इनवर्स को फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स को फाइंड करने का जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है, एडजॉइन लेना होता है हमें ए का, ठीक है, और a का डिटर्मिनेंट लेना होता है, और इन दोनों के डिवीजन से हमारे पास a इनवर्स आ जाता है। तो पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम a की वैल्यू को लिखेंगे, और a मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास 2 1 6 5 2 1 6 5। अब इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें दो चीज़ें रिक्वायर हैं इन्वर्स को फाइंड करने के लिए, a का डिटर्मिनेंट और a का एडजॉइंट। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, a का a डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी स्ट्रेट बार आ जाएगी, और 2 1 6 5। तो डिटर्मिनेंट में हमें डायगनल्स को मल्टीप्लाई करना होता है, 2 × 5 आ जाएगा, और फिर माइनस का साइन यूज़ किया जाता है बिटवीन में, और 6 × 1 आ जाएगा। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 × 10 आ जाएगा, और माइनस 6 1 × 6 है, 10 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो यूँ हमारे पास जो a डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ गया है 4 के, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद अब हम ए मैट्रिक्स का एडजॉइन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एडजॉइन में हमें एक डायगनल की प्लेस को चेंज करना है, और सेकंड डायगनल के साइंस को चेंज करना है। तो ये जो डायगनल है हमारे पास 2 5, इनकी प्लेस चेंज हो जाएगी,
फाइव टू की प्लेस पे चला गया और टू जो है वो फाइव की प्लेस पे आ जाएगा और इस डायगनल के साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस वन चेंज होके माइनस वन और प्लस सिक्स जो है वो चेंज होके माइनस सिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, ठीक है, और ए का एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों की हमने डिवीजन करनी है और इससे हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। हम ए इनवर्स का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो दोनों की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर है हमारे पास न्यूमरेटर में एडजॉइंट ऑफ ए, तो न्यूमरेटर में हमें एडजॉइंट ऑफ ए का जो आंसर है उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये हमारे पास इक्वल है फाइव माइनस वन माइनस सिक्स एंड टू, उसके बाद डिवाइड है फार्मूला में। ठीक है, तो हम डिवाइड यूज़ करेंगे और फिर है ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया है तो वो हमारे पास इक्वल आया है फोर के। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की प्लेस पे आ जाएगा फोर। अब यहाँ पे देखें ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं एंट्रीज हैं वो फोर के साथ डिवाइड कर रही हैं। ठीक है, तो हम इन तमाम एंट्रीज़ को फोर पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें फाइव डिवाइडेड बाई फोर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे माइनस वन डिवाइड बाई फोर आ गया, सॉरी फोर आ जाएगा, और उसके बाद माइनस सिक्स डिवाइड बाई फोर और लास्ट में टू डिवाइडेड बाई फोर। तो यूँ हमने तमाम एंट्रीज़ को फोर पे डिवाइड कर दिया, फाइव डिवाइड बाई फोर, माइनस वन डिवाइड बाई फोर और माइनस सिक्स डिवाइड बाई फोर और लास्ट में टू डिवाइड बाई फोर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जिनकी कटिंग पॉसिबल है उनको हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो फाइव ओवर फोर है इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, फाइव ओवर फोर एज इट इज़ आ जाएगा। इस तरह माइनस वन ओवर फोर इसकी भी कटिंग पॉसिबल नहीं है तो माइनस वन ओवर फोर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों की कटिंग पॉसिबल है टू थ्री टाइम सिक्स और टू टू टाइम फोर, तो टू के टेबल से हमने इन दोनों को कट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया माइनस, और न्यूमरेटर में है थ्री ओवर डिनोमिनेटर में है हमारे पास टू, और यहाँ पे हमारे पास टू और फोर है तो टू वन टाइम टू एंड टू टू टाइम फोर, तो क्या आ जाएगा वन डिवाइडेड बाई टू। तो ये हमारे पास जो है वो ए इनवर्स आ गया है। ठीक है, अब हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी और इससे हमारे पास जो है वो x और y की वैल्यूज़ आ जाएगी। तो यूँ हमने x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी जो फार्मूला है हमारे पास है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब इन तमाम की वैल्यूज़ पुट करते हैं, x है पहले तो x की वैल्यू हमारे पास है एक्स वाई, तो x की प्लेस पर हम लिख देंगे x एंड y, उसके बाद है हमारे पास ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स का जो आंसर हमारे पास आया है उसे हमें यहाँ पे लिखना है और ए इनवर्स हमारे पास इक्वल आया है फाइव ओवर फोर, फाइव ओवर फोर माइनस वन ओवर फोर और उसके बाद है माइनस थ्री ओवर टू एंड दी लास्ट में है वन ओवर टू। तो ये हमारे पास जो है वो ए इनवर्स आ गया है। अब यहाँ पे आगे बी है तो यहाँ पे हमें B मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में B मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई है और B मैट्रिक्स है हमारे पास 3 एंड 1, तो B की प्लेस पे हम लिख देंगे 3 एंड 1। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आइए इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x एंड y इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो रो है इसको हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ किया जाएगा और माइनस वन ओवर फोर मल्टीप्लाई बाय वन, माइनस वन ओवर फोर मल्टीप्लाई बाय वन। तो यूँ हमने जो हमारे पास फर्स्ट रो थी इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को हमें इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस थ्री ओवर टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, माइनस थ्री ओवर टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, फिर प्लस का साइन यूज़ करेंगे और वन ओवर टू मल्टीप्लाई बाय वन। तो इस तरह हमने सेकेंड रो को भी इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है किसी भी वैल्यू की, तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री, फाइव थ्री टाइम फिफ्टीन ओवर हमारे पास आ जाएगा फोर, और फिर इस प्लस के साइन को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो वन वन टाइम वन ओवर डिवाइड में हमारे पास आ गया फोर। इसी तरह यहाँ पे नीचे देखें तो हमारे पास माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री है तो थ्री थ्री टाइम माइनस नाइन ओवर हमारे पास आ जाएगा टू, और फिर है प्लस का साइन तो प्लस आ गया, और वन को इस वन से मल्टीप्लाई किया तो वन ओवर डिवाइड में आ गया टू। तो इस तरह से हमारे पास है। अब यहाँ पे इनका एलसीएम लेके हमने आगे इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें दोनों वैल्यूज़ का जो डिनोमिनेटर है वो फोर फोर है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों का जो एलसीएम है वो फोर ही आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिख दिया 4, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 4 को 4 पे डिवाइड किया, आंसर है 1, 1 को इस 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 ही आ गया माइनस, इसी तरह 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 टाइम 1। अब चलते हैं हम सेकंड पे, तो यहाँ पे 9 - 9/2 + 1/2, इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा। यहाँ पे इस 2 को इस नीचे वाले 2 से डिवाइड किया तो 2 को 2 पे डिवाइड करने से 1 आया, 1 को -9 से मल्टीप्लाई किया तो -9 आ गया, फिर प्लस का साइन है ठीक है, तो प्लस का साइन यूज़ किया, 2 को इस नीचे वाले 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। तो यूँ अब हम इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास स्टार्ट में है 15 - 1, तो 15 से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 ओवर हमारे पास आ गया 4, और उसके बाद यहाँ पे देखिए -9 + 1 है, तो एक साइन माइनस का है एक साइन प्लस का है, तो ऐसी सूरत में माइनस करेंगे, 9 से 1 माइनस किया 8 और ग्रेटर वैल्यू 9 है, इसके साथ माइनस का साइन है इसलिए आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा, तो -9 + 1 का आंसर क्या आ गया -8 ओवर हमारे पास आ गया 2। तो ये हमने मैट्रिक्स को क्लोज कर दिया और इज इक्वल में इधर हमारे पास है एक्स एंड वाई। अब इनकी मज़ीद यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है तो इनकी आगे मज़ीद कटिंग कर लेंगे, तो 2 7 × 14 एंड 2 2 × 4 ठीक है। तो इस तरह हमारे पास x एंड y जो है वो इक्वल आ जाएगा 7/2 ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखिए इनकी कटिंग भी हो सकती है, तो इन दोनों की भी कटिंग कर लेंगे 2 1 × 2 एंड 2 4 × 8, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास y इक्वल आ गया -4 के, तो यहाँ पे आ गया -4। अब इसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन सेट भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 7/2 हमारे पास आई है एक वैल्यू और जो y की वैल्यू है वो हमारे पास आई है -4 ठीक है, और सॉल्यूशन सेट में हम इन दोनों वैल्यूज़ को क्लोज कर देंगे, x आ गया 7/2 y हमारे पास आ गया -4। अब इसी क्वेश्चन को हम जो है वो क्रैमर रूल से भी सॉल्व करेंगे, तो एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें जो वैल्यू थी वो इक्वेशन की फॉर्म में थी, तो सबसे पहले हमने इसे इक्वेशन से जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद हमारे पास जो ये मैट्रिक्स था इसको हमने एलेट कर लिया, इसको x और इसको बी ठीक है। फार्मूला हमारे पास क्रिएट हो गया x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, ए का डिटर्मिनेंट और ए का एडजॉइंट ठीक है, हमने दोनों चीज़ें एक ही फाइंड की, उन दोनों को डिवाइड किया तो इससे हमारे पास ए इनवर्स आ गया ठीक है। अब फार्मूला में था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स हमने जो फाइंड किया उसको हमने यहाँ पुट किया, बी मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई, x हमारे पास इक्वल आ गया 7/2 के और y इक्वल आ गया -4 के। अब चलते हैं क्रैमर रूल की। अब हम सेकेंड पार्ट को क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं, तो क्रैमर रूल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मैट्रिक्स हमें रिक्वायर होते हैं, एक मैट्रिक्स ए, उसके बाद ए एक्स और ए वाई। तो यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स को लिखते हैं और ए मैट्रिक्स जो लिखा जाता है वो हमारे पास एक्स और वाई के कोफिशिएंट का लिखा जाता है, और एक्स के कोफिशिएंट है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में 2 और सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है 6, और फर्स्ट इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट है 1 और सेकंड इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट है 5। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो एक्स और वाई के कोफिशिएंट लिखे जाते हैं 2 1 2 1 6 5 6 5। उसके बाद जो सेकंड मैट्रिक्स लिखा जाता है वो ए एक्स लिखा जाता है। जब हमने ए एक्स एक्स मैट्रिक्स को लिखना होता है तो तब हमने लास्ट वाली वैल्यू को यानी कि कांस्टेंट टर्म्स को लिखना होता है और वाई वाली टर्म को लिखना होता है, वाई के कोफिशिएंट को ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 3 और जो वाई का कोफिशिएंट है वो है 1, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो है 1 और जो वाई का कोफिशिएंट है वो है 5 ठीक है। तो जब हमने ए एक्स लिखना है तो कांस्टेंट टर्म लिखेंगे और y के कोफिशिएंट लिखेंगे ठीक है, 3 1 3 1 और y के कोफिशिएंट 1 एंड 5 1 एंड 5 ठीक है। जब a x लिखना है तो तब x के कोफिशिएंट को नहीं बल्कि y के कोफिशिएंट को लिखा जाता है, और जब a y लिखना है तो तब हमें y नहीं लिखना बल्कि x के कोफिशिएंट को लिखना है। तो थर्ड मैट्रिक्स जो है वो हम a y लिखेंगे ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं a y इज इक्वल टू, तो a y का मैट्रिक्स लिखते हैं। जब हमने a y का मैट्रिक्स लिखना है तो हमें x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को लिखना है ठीक है। तो x का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में 2 और कांस्टेंट है टर्म 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड 3। उसके बाद सेकंड में चलते हैं, तो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 6 और कांस्टेंट टर्म है 1, तो आ जाएगा 6 एंड 1। तो इस तरह a y जब हमने लिखना है तो फिर हमने फर्स्ट और लास्ट यानी x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म ठीक है 2 3 6 1, तो 2 3 6 1।
अब ये ए भी आ गया हमारे पास, ए एक्स भी आ गया और ए वाई भी आ गया, ठीक है। अब जो एक्स को फाइंड करने का फार्मूला होता है क्रैमर रूल में, वो हमारे पास होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। और जो वाई है उसको फाइंड करने का फार्मूला होता है, वो हमारे पास वाई इक्वल होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। इट मीन्स के ये जितने हमारे पास मैट्रिक्स आए हैं ए ए एक्स और ए वाई, इन तीनों के हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। उन डिटर्मिनेंट्स को इन फार्मूला में पुट करेंगे तो इससे हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। तो आइए इन मैट्रिक्स का अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो स्ट्रेट बार यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे भी स्ट्रेट बार आ जाएगी और 2 1 एंट्रीज हैं, 2 1 6 एंड 5। तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर माइनस का साइन यूज़ किया जाता है और सेकंड डायगनल है 6 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 2 5 टाइम हमारे पास क्या आ गया 10, माइनस 6 1 टाइम क्या आ जाएगा 6, और 10 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो 10 माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया है ए का डिटर्मिनेंट। अब हम चलते हैं यहाँ पे ए एक्स के डिटर्मिनेंट पे। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिखने के लिए हम स्ट्रेट बार यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे भी इन एंट्रीज को स्ट्रेट बार में लिख लेते हैं 3 1 1 5। तो अब हम डायगनल्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 5 और बिटवीन में माइनस का साइन और 1 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 टाइम 15, उसके बाद माइनस आ गया और 1 1 टाइम आ गया 1, और 15 से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। तो यूँ हमारे पास जो ए एक्स का डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आ गया 14 के। अब हम चलते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखने के लिए स्ट्रेट बार में लिखेंगे 2 3 6 1। तो डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 और फिर जो है वो माइनस का साइन यूज़ किया जाएगा और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, ठीक है। तो आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 1 टाइम हमारे पास 2 आ गया, माइनस 6 3 टाइम 18। अब 2 माइनस 18 करेंगे तो हमारे पास माइनस 16 आ जाएगा। एक साइन प्लस का एक माइनस का है तो माइनस किया, 18 से 2 माइनस किए 16 आ गया और ग्रेटर वैल्यू का साइन आ गया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास से ए का डिटर्मिनेंट आया है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया है और ए वाई का डिटर्मिनेंट आया है, इनको इन फार्मूलाज में पुट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास वो आया है 14। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर आ जाएगा 14 ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इन दोनों की कटिंग कर लेंगे हम, ठीक है। तो 2 का टेबल यूज़ करते हैं, 2 2 टाइम 4 एंड 2 7 टाइम 14। तो यूँ हमारे पास जो x है वो किसके इक्वल आ गया है 7 ओवर 2। अब हम चलते हैं y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो y इज इक्वल टू हमारे पास है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का जो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास जो है वो इक्वल आ गया है माइनस 16 के। तो ए वाई के डिटर्मिनेंट की प्लेस पे आ जाएगा माइनस 16 ओवर है ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इन दोनों के भी कटिंग कर लेंगे, तो 4 के टेबल से कटिंग कर लेते हैं। तो 4 1 टाइम 4 एंड 4 4 टाइम 16। तो 4 के टेबल से इन दोनों की कटिंग कर दी, 4 1 टाइम 4 4 4 टाइम 16। तो y इक्वल आ गया माइनस 4 के। तो इस तरह हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ गई 7 ओवर 2, ठीक है, हमने सॉल्यूशन सेट लिख दिया, और कॉमा y की वैल्यू आ गई माइनस 4, ठीक है। जब हमने इसको इन्वर्जन मेथड से किया था तब भी हमारे पास x की वैल्यू 7 ओवर 2 और y की वैल्यू माइनस 4 थी, जबकि क्रैमर रूल से भी 7 ओवर 2 x की वैल्यू और y की वैल्यू माइनस 4 है। तो दोनों मेथड से ही हमारे पास x और y की वैल्यूज इक्वल आई हैं।